कैसे रीड करें मार्केट्स को आज, क्या करें अभी? देखिए सुमित जी, गुड आफ्टरनून। देखिए आपको याद होगा सुमित जी, जिस जब इसराइल और ईरान की न्यूज, उससे एक दिन पहले मार्केट में एक सडन फॉल देखने को मिला था। 22,320 का हाई था, उसी के आसपास का हाई आज भी नजर आ रहा है, इसीलिए करंट लेवल पे मार्केट में खरीदारी की राय नहीं है। थोड़ा डिप आ जाता है, अगेन 22,200-220 तक अगर डिप आ सकता है, कि जिसकी उम्मीद भी है कि 50-60 पॉइंट का डिप मार्केट में आ सकता है, वहां पे खरीदारी की राय रहेगी। तो 22,200-22,220 के पास मिलता है तो वहां पे निफ्टी को लॉन्ग करने की सलाह है। करंट लेवल पे लॉन्ग ना करें क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। अगर निफ्टी 22,320 के ऊपर निकल जाता है देन एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, इसलिए बाय ऑन डिप्स करें। 22,150 का स्टॉप लॉस लगा के बाय करें। 22,320 के ऊपर निकलेगा तो फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। 22,300 के ऊपर फ्रेश ब्रेकआउट, 22,150 का एक स्टॉप लेके आप लॉन्ग जा सकते हैं। निफ्टी बैंक सपोर्ट करे है क्या अरुण जी? क्योंकि आज भी एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक का सपोर्ट है मार्केट्स को, सो अगर एचडीएफसी बैंक थोड़ा सा रिवर्सल दिखा देता है तो क्या निफ्टी बैंक का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा? संदीप जी, आपने कहा एचडीएफसी बैंक एक लेगार्ड रहा है, अगर ये सपोर्ट कर देता है तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी एक राइडिंग सीट पे आ सकता है। अगेन बैंक निफ्टी में भी वही सलाह रहेगी, 47,500-47,400 एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बेस भी है, सेकंडली एक अच्छा सपोर्ट भी वहां पे नजर आ रहा है, इसलिए 100-150 पॉइंट की राइडिंग बैंक निफ्टी में भी आती है तो आप डेफिनेटली बैंक निफ्टी को भी ले सकते हैं 47,400 के स्टॉप से। एक ही दिक्कत है, एचडीएफसी बैंक परफॉर्म नहीं कर रहा, अगर एचडीएफसी बैंक में थोड़ा उछाल आ जाता है तो हो सकता है बैंक निफ्टी आपको ओवरऑल मार्केट को ऊपर लेके जाता हुआ नजर आए। इंडिविजुअल स्टॉक वाइज अरुण जी, कहां पर आप लॉन्ग हो, कोई स्टॉक जिस पर आपकी नजर है? देखिए अगेन दो स्टॉक चुने, एक तो ब्रेकआउट वाला स्टॉक है, एक मुझे लग रहा है पावर ग्रिड में एक अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है, एक ओवरऑल हायर हाइज हायर लोस का रुझान कंटिन्यूस बन रहा है, तो 280-283 के पास बाय करें। 279 का स्टॉप लॉस रहेगा और 295 तक मुझे लग रहा है पावर ग्रिड जाना चाहिए। सेकंड स्टॉक अगेन एक बॉटम फिशिंग वाला कैंडिडेट है, एशियन पेंट्स में मुझे लग रहा है एक अच्छे बेस फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, 2840 के आसपास ये भी ट्रेड कर रहा है, तो 2800 के स्टॉप लॉस के साथ एशियन पेंट को बाय करने की सलाह रहेगी। 2935 का ऊपर में टारगेट है एशियन पेंट, 0.25% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है, डे हाई के आसपास ये भी पहुंच गया है, 2840-2841 के जमीन पे ये काम काज कर रहा है, एक अच्छे पिक के तौर पे आप इसको भी देख सकते हैं। वैसे भी यहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी गिरावट दिखा चुका है, सो डाउनवर्ड जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो एटलीस्ट कैप्ड हैं, इसीलिए आप लॉन्ग साइड पर अगर देखना चाह रहे हो तो एक बार को एशियन पेंट्स को देख सकते हैं। आगे बातचीत करूँगा अरुण जी से, लेकिन पहले कुछ मिड कैप गेनर लूजर के ऊपर नजर डालते हैं। मिड कैप इंडेक्स जो कि आज सुबह से ही करीब 3/14% की बढ़त के साथ कामकाज कर रहा है, तेज़ी तो बरकरार है और वो रेंज बाउंड भले ही है पिछले 1.5 घंटे से, लेकिन अभी भी तेज़ी में देखने को मिल रहा है। कहाँ पर खरीदारी है उसमें पहला नाम आता है यूनियन बैंक, 4% के आसपास की बढ़त है, केनरा बैंक करीब 3% ऊपर है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 3% ऊपर है और यूको बैंक 2.5% तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो सरकारी बैंकों में एक अच्छी खरीदारी है। फार्मा में आज बायोकॉन चल रहा है 3% ऊपर, जाइडस लाइफ 3% ऊपर, एल्केम लैब 3% ऊपर, टोरेंट फार्मा करीब करीब 2.5% तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है, महिंद्रा लाइफ स्पेस करीब 4% ऊपर ये है, शोभा 4.5% ऊपर है, मैक्रोटेक डेवलपर्स 2.5% ऊपर है और इंडिया बुल्स रियल स्टेट 2.5% तेजी यहाँ पर भी है। स्ट्रांग अपमूव है वोल्टास में, 7% की तेजी यहाँ देखने को मिल रही है ब्रोकरेज के अपग्रेड के बाद। वर्लपूल 6% ऊपर ये भी कामकाज कर रहा है, हेवेल्स 3% ऊपर आ गया, क्रॉम्पटन यानी कि जितने भी एसी रिलेटेड या कंज्यूमर ड्यूरेबल रिलेटेड है सब में खरीदारी है। पावर से आज जी पावर करीब करीब 7% ऊपर है, ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर सर्किट पर एबीबी कैपिटल गुड स्पेस से 3.5% ऊपर, एसजेवीएन 3.5% ऊपर ये भी है, फर्टिलाइजर स्पेस से जीएसएफसी 6.5% ऊपर, एनएफएल 5.5% तेजी यहाँ है, आरसीएफ 5% ऊपर है और फैक्ट में भी खरीदारी है। इसके अलावा मिड कैप में लीड कर रहा है बीएफ यूटिलिटीज करीब करीब 9% ऊपर, उसी का इंपैक्ट बीएफ इन्वेस्टमेंट में 13% ऊपर, कैपिटल गुड्स स्पेस से सीमेंस और एक्साइड बढ़िया शॉर्ट कवरिंग में प्रिवेल कर रहा है। बिकवाली आज मिड कैप में जीएसपीएल में है, स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ है एक न्यूज़ फ्लो के बीच में, 19% नीचे, परसिस्टेंट कमजोर मार्जिन की गाइडेंस 9.5% नीचे और वोडाफोन आइडिया बैन के अंदर भी और आज एफपी पूरा भरा 4.5% नीचे और बिरला सॉफ्ट करीब करीब 2.5% के आसपास बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ रही है। अरुण सर, इनमें से दो नाम चुनूंगा, एक है वोल्टास जहां पे बहुत स्ट्रांग न्यूज़ का अपग्रेड का इम्पैक्ट है और दूसरा परसिस्टेंट वीक नंबर्स के बीच में 9% नीचे आ चुका है, अब क्या करें इन दोनों में? संदीप जी अगेन, सुमित जी अगेन, मुझे लग रहा है ओवरऑल वोल्टास में एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है, यूबीएस का अपग्रेड भी देखने को मिला है, ओवरऑल मुझे लग रहा है ये स्टॉक अच्छे मोमेंटम में रहेगा, 1420-1440 इमीडिएट तौर पर मुझे लग रहा है आज या कल के सेशन में जाता हुआ नजर आएगा, तो 1440 के टारगेट के साथ इसको होल्ड करके चल सकते हैं। अगेन नई खरीदारी की राय नहीं है क्योंकि स्टॉक ऑलमोस्ट आज भी
काफी ऊपर है, 4 से 5% की तेजी आज भी बता रहे हैं, अभी तो 6% के आसपास है। तो मुझे लग रहा है और नई खरीदारी की राय नहीं है, पर जिनके पास है उनको 1440 के टारगेट के लिए होल्ड करना चाहिए। अगेन परसिस्टेंट ओएफएसएस सभी जो भी आईटी स्टॉक्स अगेन प्रेशर में नजर आ रहे हैं, इसलिए परसिस्टेंट में कोई खरीदारी की राय नहीं है, कोई बॉटम फिशिंग अभी परसिस्टेंट में करने की राय नहीं है। ओवरऑल मुझे लग रहा है सपोर्ट्स ब्रीच कर चुका है और यहाँ से भी 3 से 4% की गिरावट परसिस्टेंट में देखने को मिल सकती है। तो दोनों में ही कंपैरिजन करते हैं तो मुझे लग रहा है वोल्टास ज्यादा बेटर है, 40-50 रुपए का मूव और वोल्टास में देखने को मिल सकता है। तो परसिस्टेंट में प्रेशर और बढ़ सकता है, लेकिन वोल्टास में आप लॉन्ग ना करें, कोई फॉल आए तो लॉन्ग करें, अगर आपके पास लॉन्ग है तो आप होल्ड करें, 30 से 40 रुपए का अपसाइड और स्टॉक में खुल सकता है। लेकिन अब बाजार की आज सबसे बड़ी कंपनी, देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के तिमाही नतीजे आने वाले हैं और आज बाजार की नज़र उसके ऊपर, तो रिलायंस के Q4 नतीजों पर कैसे नंबर्स होंगे इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ नीरज जी मौजूद भी हैं। दशकों से नीरज जी रिलायंस के नंबर्स को ट्रैक कर रहे हैं। नीरज जी, बहुत कुछ डिपेंड करता है रिलायंस के नंबर्स के ऊपर, रिटेल स्पेस को लेकर, ऑयल एंड गैस स्पेस को लेकर, टेलीकॉम स्पेस को लेकर। सो क्या उम्मीदें लगाई जाए इस बार रिलायंस के नंबर्स में, और एक आकलन ये कह रहा है कि शायद रिकॉर्ड ईबीटा का नंबर आता हो दिखाई पड़ सकता है, ऐसा क्यों?